गाइस आप सभी लोग वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एक्चुअली में ये व्लॉग नहीं है, ये चैलेंज होने वाला है। सो आज हम करने वाले हैं लिविंग इन अ गेस्ट रूम फॉर 2 आवर्स। सो गाइस हम 24 आवर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा 24 आवर्स का। हाँ तो हम हमारे हिसाब से तो यही बहुत ज्यादा, यही हमारे लिए 24 आवर्स के हिसाब से। अभी हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम वो वाला चैलेंज करें। अभी टाइम हो चुका है तो 1 to 4 तक हमें ये करना है। मैं आपको फोन में भी दो एक हो चुके हैं, 4-1 तक हमको करना है। हाँ ये देखो फोन में भी देख सकते हो आप, 2-1 हो रहे हैं। सो हम ये वाला चैलेंज हमको तब तक करना है और 2 घंटे के लिए। और इस चैलेंज में क्या होने वाला है ना, सब कुछ खुद करना है, मम्मी कुछ हेल्प नहीं करने वाली। बस मम्मी ने हमको चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, जैसे कुछ ये और कुछ और सामान। तो रूम का एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कि रूम कैसा है। कुछ ऐसा है हमारा रूम, यहाँ पे ये सोफ़ा है, ये 3-सीटर है, इस पर कुछ सामान रखा है अभी हमने, ये 1-सीटर है एंड ये भी 1-सीटर है। तो यहाँ इसके ऊपर ना इलेक्ट्रिक आइटम जैसे सैंडविच ग्रिलर और केतली जो है वो रखेंगे, और ऊपर ये प्लग है जिससे कि कनेक्ट हो जाए। एंड ये वाटर टैंक है हमारा, यहाँ पे रहने वाला है ना, यहाँ पे ये काफ़ी काम आ चुका है। मैं बोल रही हूँ हटा दी, गिरने के चांसेस हैं बहुत। हाँ हाँ ये लो हटा दी, या इसको नहीं कोने में रख दे, कोने में रख दे इसको इधर की साइड। बस बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे हो चुका है, ये पूरा किचन बनने वाला कारपेट ये यहाँ पे हो चुका है। एंड यहाँ पे ग्लास रख दे। एंड सबसे मेन चीज़ कहाँगी, ये भाई इतना सामान है ना इसके अंदर, किसी ने सोची ना होगी। तो और यहाँ पे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए HP का पवेलियन है, ग्रिलर है और यहाँ पे चटनी वगैरह है। अगर हम एक सेकंड कुछ बनाए, इसने बोला एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए HP का पवेलियन है, ग्रिलर है, चटनी वगैरह है। ग्रिलर और चटनी के अंदर क्या एंटरटेनमेंट होगा? मतलब एंटरटेनमेंट के लिए HP पवेलियन है और यहाँ पे ग्रिलर भी रखा हुआ है, केतली है एंड ये कुछ सामान है मेरा। क्या केतली के नीचे का कहाँ गया? वो रखा, ये जो है ना कैमरे का है सारा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जल्दी कैमरे पे शिफ्ट होने का, तो देखते हैं कैमरे पे शिफ्ट हो पाते हैं फिर नहीं। और ये केतली जो है ना ये यहाँ पे रख सकते हैं और इसके अंदर मैगी बनेगी। हाँ ये मैगी बनाने के लिए हमने केतली लिया। हम पहले तो सोच रहे थे हम वो निकाल लेते स्टिंक्शन, हाँ वो निकाल लेते हैं, बट हमने सोचा कि हम नहीं बना पाएंगे उस पर, इसलिए तो हमने नॉर्मल केतली ले ली है। ग्रिलर है हमारे पास, जो कि ग्रिलर से अभी हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। सो यार गाइस ग्रिलर से हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। और हमारे पास है इंडक्शन जिसपे हम बना सकते तो है, बट वो ना न्यू रखा हुआ है तो उसके बर्तन वगैरह है हमारे पास पर हमको चलाना नहीं आएगा। तो इसलिए एंड यहाँ पे हमारा किचन है जो कि लवी संभालने वाली है। रुद्र ये सब स्टैंड में लगा देगा एंड अभी हम दोनों यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं दूसरे की, क्योंकि अभी हम रूम को पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, बहुत ही उलट पुलट हो रखा है इसलिए तो रुद्र अभी इसको स्टैंड पे लगा। सो यार रूम काफी उलट पुलट हो रखा है, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे हम। यहाँ पे पिलो भी रखे हुए हैं, अगर लेटने वगैरह के लिए तो यहाँ पे बेड है, इस बेड के ऊपर यहाँ पे पिलो रख जाएंगे यहाँ पे। और ये HP का पवेलियन भी रखा हुआ है एंटरटेनमेंट के लिए, तो इसको भी कहीं लगाने का देखते हैं। सो यहाँ गाइज अभी हमारा रूम है जो वो पूरा अच्छे से रेडी हो चुका है एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि रूम अभी हमारा कैसा लग रहा है। सो मैं एंट्री पे आ चुकी हूँ एंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एंट्री है जो कि हमने बंद कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले आता है ये, जब आप एंटर करेंगे रूम में यहाँ पे रखा हुआ है रुद्र का एज यूजुअल स्टैंड, उसके ऐसे ही पड़े रहते कहीं भी, तो ये इसका यहाँ पे रखा हुआ है। देन यहाँ पे टेप, हाँ यहाँ पे सोफ़ा है, हम एक कोम भी ले आए थे बाल काटने हो तो। यहाँ पे है हमारा लैपटॉप, यहाँ पे है ये रुद्र का मेनली सेटअप बेड है, यहाँ पे है हमारा म्यूजिक लाइक मतलब हमारा क्या बोलता है पानी पीने के लिए ग्लास, ये प्लेट्स हैं, ये थोड़ा कैमरे का सारा वो रिक्वायरमेंट्स हैं, ग्रिलर केतली है एंड स्विच बोर्ड एंड ऑल दैट। फिर आता है यहाँ खाने पीने का सामान, सो हमारे पास ग्रीन चटनी है, हमारे पास लहसुन की चटनी है, हमारे पास एक स्पैचुला टाइप है, हमारे पास स्ट्रॉ हैं दो, ये गई दो स्ट्रॉ हैं एंड दो फॉक हैं और एक नाइफ है एंड यहाँ पे बटर है
यहाँ पे है हमारी मैगी, ब्रेड, कोक, नहीं कोक नहीं है, थम्सअप है, सम लॉलीपॉप्स, ओयल्स, लेस एंड पीछे भी एक और लेस है। सो फिर इधर से आएंगे हम, आएंगे यहाँ पे बेड पे। सो बेड पे है हमारे पास एक पिल्लो और ये है मेरा सेटअप, यहाँ पे मैं लेटने वाली हूँ एंड ये गया मेरा फ़ोन। सब देख सकते हैं 2:10 हो चुके हैं, अभी तो 9 मिनट हुए हैं बस। एंड रुद्र यहाँ पे आ चुका है बैठ के। सो रुद्र से देखते हैं अभी तक आपको कैसा लग रहा है। अभी तक तो नॉर्मली लग रहा है, जैसे घर में रह रहे हैं बट विदाउट मॉम, सो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा आज। हाँ पूरे दिन। सो अभी हमने सोचा है कि 2:30 पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, बिकॉज हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया। ब्रेकफास्ट इन द सेंस लंच, ब्रंच, ब्रंच प्लस वो ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल्स टू ब्रंच। सो अभी हमारे को ऐसा कुछ ज़्यादा खास प्लान नहीं है। सो अभी थोड़ी देर हम रेस्ट करने वाले हैं एंड मैं कुछ बता रही थी आपको, मैं भूल गई तैनी, मैं कुछ बताने वाली थी। हाँ मैं ये बता रही थी कि हमें यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये फ़ैन है, आप लगभग देख सकते हो एसी भी लगा हुआ है बट वो एसी काम नहीं कर रहा है। सो होपफुली ये सबसे नीचे है, सो इसके ऊपर भी 3 फ्लोर्स हैं, सो होपफुली हमें गर्मी नहीं लग रही है। एंड यहाँ पे रुद्र का गेम स्टार्ट हो चुका है। सो या अभी मैं बोलती हूँ रुद्र से कि ये लगाता है वहाँ पे स्टैंड में एंड फिर आप टाइम लैप्स एंजॉय करो एंड बस या। सो रुद्र लगा दीजिए इसे। सो या गाइस, अब नवीन आपको जैसे दिखा दिया होगा सारा सामान कैसे क्या क्या रखा हुआ है। अब हमने सोचा 2:30 पे लाइट क्यों ऑफ कर दी। अबे यार 2:30 पे हम लोग अपना ब्रंच बनाएंगे। हाँ। ब्रंच में मैं सोच रहा हूँ मैगी बनाए, नहीं ब्रेड बट सैंडविच टाइप। ठीक है तो सैंडविच टाइप बनाएंगे। और मैगी कब? मैगी बना लेंगे 4 पे है ना, तो 3:15 पे मैगी बना लेंगे अपनी, खाने ही ले या। सो ठीक है, इस टाइम आपको दिखा दूं मैं, अभी 14:31 हो चुका है, मतलब 2:30 बज चुके हैं एंड अब हमारी मैंने ब्रंच की मेकिंग चालू हो रही है। और सैंडविच के साथ पेप्सी, सैंडविच के साथ हम पेप्सी रखने वाले हैं। सो यहाँ पे सैंडविच बना रही है लवी। तो ये बता तेरे को कौन सा वाला सैंडविच खाना है, मतलब ग्रीन चटनी के साथ वाले या फिर ये लस्सी? ग्रीन ग्रीन। तो इसके अंदर क्या क्या लगा रही है? मैं सबसे पहले गाइस इसके अंदर लगा रही हूँ, ये बहुत ही यम बनता है। सो हमने सबसे पहले ब्रेड लिया, आपको चलो रेसिपी भी शेयर करते हैं। ब्रेड ली है, उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने लिया है ये बटर एंड ये बटर पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है, सो ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा। सो ये गया हमारा बटर ब्रेड के ऊपर एंड बहुत ही मस्त लगता है, ज़रूर ट्राई करना। ये हमारी ऊपर सबसे पहले जाता है बटर, उसके बाद आपको जौन सा भी स्प्रेड लगाना हो वो स्प्रेड आप लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगी ग्रीन चटनी लगाओ या फिर ये मिंट वाली मिंट ग्रीन लगाओ या फिर लहसुन वाली लगाओ, बहुत ही यम्मी टेस्ट करता है। एंड जब भी ग्रीन चटनी होनी चाहिए ना वो थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं होगी तो मक्खन के साथ मिलकर ना अजीब सा है टेस्ट करते हैं। अभी मेरे सारे सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं। अब मैंने एक पे ग्रीन चटनी और लहसुन वाली चटनी का मिक्सचर लगाया है, लास्ट ब्रेड थी सो हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फोल्ड कर देंगे एंड अभी हम इसे ग्रिल कर लेते हैं, अच्छे से ग्रिल करते हैं तो वो मैं आपको बोलूंगा। सो या गाइस, अभी सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं, मतलब पूरे रेडी नहीं हुए अभी, बस ग्रिल होना बाकी है। तो लवी अभी इनको ग्रिलर पे रख रही है।
पहले हम बटर है जो इसे साइड रखते हैं, साइड रखते हैं बटर को मैं इधर रखती हूँ। सो हम उसको सबसे पहले हम इस ग्रिलर को ग्रीस करेंगे। अब मैं घी लाना भूल गई ऊपर से, सब ऊपर तो हम जा नहीं सकते, सो बटर से ही टाइम चलेंगे। बट अगर आपके पास घी हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सो इतना हल्का हल्का, आपको ना बस एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपके पास इस टाइप का ग्रिलर है इसे थोड़ा हल्का हल्का ऐसे ऐसे करता रहते हो तो हर एक लाइंस पे लगता है वो। सो वो अरब तो पहले रही हूँ, सो वो बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। एंड ये यहाँ पे मैं टुकड़ों करके पेयर डालने वाली हूँ। मैं रुद्र बोल रहा था मेरे से कि इसकी वो जो कॉर्नर्स होते हैं काटते, बट कॉर्नर्स काट के बहुत ही अजीब सा लग रहा था, मैंने कॉर्नर्स नहीं काटे इसलिए मैंने ये दिया है। और गाइस जब तक लवी अपने सैंडविच बनाती है मैं थम्स अप अपनी रेडी कर लेता हूँ, एंड आपको अपना ब्रंच बनाने के बाद ही मिलते हैं। ये ले। हाँ सो यार गाइस अभी हमारा बनकर रेडी हो चुका है सैंडविच, कुछ ऐसे लग रहा है, काफी मस्त लग रहा है। दोनों फ्लेवर क्या है, अलग अलग फ्लेवर क्या है, एक ही फ्लेवर? मैंने एक ही फ्लेवर करा है सारे में, एंड ये वाला है जो एक ही सिंगल ब्रेड का वो है लहसुन एंड दोनों मिक्स। सो गाइस सबसे पहले रुद्र बता के मतलब एक एक करके खा लें या फिर जैसे जैसे बनते जा रहे हैं वैसे वैसे खाएं? हम ऐसा करते हैं अभी जैसे ये बन गया इसको खा लेते हैं, फिर नेक्स्ट बनाएंगे फिर खाते हैं। हाँ तो रख देते हैं ग्रिल में। हाँ सो ये तो पकड़। सो यार गाइस ये आज के सैंडविचेस हमारे पास। सो यार अभी हम आपको सो यार गाइस अब आपको हम मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। अभी वहाँ पे लवी दूसरा पेयर रख रही है एंड अब मैं इसको खा के देखता हूँ कैसा लग रहा है। काफी मस्त। और ये ग्रीन चटनी का है ना अभी? हाँ ग्रीन चटनी का है, काफी मस्त है मेकिंग। आपने